अस्करी है जो उसकी भी मैं गुरुपजी कर रहा हूँ। हमारे बैतुल माल के सदर साहब को गुजारिश करूंगा के वो भी बहुत मेहनत किए, उनकी भी गुरुपजी कर रहा हूँ मैं। हमारी बस सर्दी जुकाम तुम्हारे इंतजार में है। देखिए और चलो चलो अपने बिना दिया चलो ऐसा भी होता है नहीं भाई दोस्त के खास कर जिंदे से जीत गया अल्हम्दुलिल्लाह। आओ खाते अब काम होना तो उधर देख क्या मोबाइल नहीं नहीं लेता हूँ मैं झाड़ू नाले में पानी बंद हो जाए हाथ दे दिया हमारे उधर चला भी दे क्या भाई बोलो ना अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। आज बड़ी खुशी और मसर्रत की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करीम से नबी का करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल में बुजुर्गान दीन की दुआओं के तुफैल में अल्हम्दुलिल्लाह कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम 7 उम्मीदवारों ने शानदार कामयाबी हासिल की। खासकर तेलंगाना रियासत में सब में ज्यादा बंपर मेजॉरिटी में समझता हूं कि हमारा हाजिर अजीज शेर हिंदुस्तान अकबरुद्दीन अवैसी जी ने बंपर मेजॉरिटी से कामयाबी हासिल की। उसके बाद हमारा और एक शेर अहमद बिन अब्दुल्ला बलावा साहब ने कामयाबी हासिल की। उसके बाद और एक शेर कौसर महुद्दीन साहब ने कामयाबी हासिल की। उसके बाद और एक शेर चार मीनार का हब्दुल अजीज हमारा वीर दुलकर साहब ने कामयाबी हासिल की। उसके बाद हमारा और एक शेर नामपल्ली का माजिद हुसैन साहब ने कामयाबी हासिल की। और उसके बाद हमारा और एक शेर याकूत मिर का अली जनाब जाफर हुसैन मेराज साहब ने कामयाबी हासिल की। यानी तमाम मजलिस के 7 उम्मीदवारों ने शानदार कामयाबी हासिल की। ये अल्लाह का फजल करम है और बहादुरी पे और एक शेर हमारा मोहम्मद मुबीन साहब ने शानदार कामयाबी हासिल की। तमाम कामयाबी अल्लाह के फजल करम से आप तमाम शेरों बहादुरों की दुआओं से आपके उस दिन की मेहनतों से अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी अजीम कामयाबी से कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को नवाजा। आज बारकस में अहलिया ने मोहल्ला बारकस वो सलाला में खुशी की लहर दौड़ गई। तमाम चंद्रायन गुट्टे में हैदराबाद में जश्न का माहौल चलने लगा और बारकस में हमारे अरबी अजीज शख्सियतें जो खुसूसन इस इलेक्शन में मम्लिकत सऊदी अरबिया से तशरीफ लाए एक जो बहुत बड़ी फार्मेसी है जिद्दा में झुमझुम फार्मेसी उसके हमारे अब्दुल्ला भाई भूसी साहब तशरीफ लाए चाचा हमारे और हमारा अरबुल अजीज जिद्दे के और रियल हीरो थे असद खान साहब है महमूद दाना बाल मजोरी साहब है अरशद भाई खरमोशी साहब है एजाज भाई है इन तमाम यहां पर खुशी में जो है शामिल हुए। मैं उन तमाम अफसर बिंजा साहब है मैं उन तमाम लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस काम में बारकस के तमाम
जो जिम्मेदारान थे, कारकुना थे, तमाम ने हद तक मकदूर कोशिश की, जिसके लिए मैं उन तमाम को सैल्यूट पेश करता हूं। खासकर हमारे फैसल भाई बाम साहब को, महमूद भाई अवलगी साहब को, साजिद भाई राजेश बरकस बारकस भाई तुम्हारे को, साजिद भाई को, असिद बिनकदी को, सिद्दीक भाई को, और आपके जो सईद राघोबान साहब को, खालिद राघोबान साहब को, और हर साहब को, यानी जितने भी बारकस में अगर मैं किसी का नाम भूल रहा हूं तो माफी चाहता हूं, करीम बेग साहब को, मंसूर अवलगी साहब को, हफीज पटेल साहब को, हमारे कारपोरेटर अब्दुल वहाब साहब को, रहमान शाह साहब को, इब्राहिम भाई बामालम साहब को, यूसुफ भाई भावोजी साहब को, और जितने भी हमारे बारकस के एरिया में जो है जिम्मेदारान थे, उनके एक नाम अगर जल्दी में भूल रहा हूं तो माफी चाहता हूं, सबको सलाम, सबने बढ़ चढ़ हिस्सा लिया, काम किया, अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी अजीम कामयाबी से हमें नवाजा। आज जश्न का माहौल है, हिंदुस्तान के तमाम लोगों को यही पैगाम दे रहा हूं कि आप मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इसी तरह मजबूत कीजिए, ताकि आपके मसाइल को ना सिर्फ असेंबली में बल्कि पार्लियामेंट में भी उठाकर आपके मसाइल को हल करवाया जाए। ये मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन, साथ ही साथ में हमारे जो महेश्वरम की आयरन लेडी है, उनको महेश्वरम की सविता इंदिरा रेड्डी मैडम को, जिनकी गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं, उनके लड़कों को, दोनों लगते भी मेरे को, कार्तिक रेड्डी साहब और उनके और अविनाश को, कौशिक भाई जो भी है, उन तमाम को भी मुबारकबाद देता हूं, वहां के तमाम टीआरएस के जिम्मेदारों को मुबारकबाद देता हूं, मंडी से इतिहास मुस्लिम के तमाम जिम्मेदारों को, जो जो वहां पर काम किए उन तमाम को भी मुबारकबाद पेश करता हूं, और फिर एक बार आप तमाम से यही गुजारिश करूंगा कि इसी तरह मंडी से इतिहास मुस्लिम को आप मजबूत कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चंद्रायन गुट्टा हैदराबाद की जानिब से जो कांग्रेस ने जीत हासिल की है, रेवंत रेड्डी साहब को, होने वाले सीएम साहब को भी सैल्यूट पेश करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि वो भी अच्छे अच्छे स्कीम जो है डिलीवर करेंगे, और सब मिलके, हम सब मिलके रियासत तेलंगाना को तरक्की की तरफ लेके जाएंगे, तरक्की और लेके जाते हुए ना सिर्फ तेलंगाना बल्कि हिंदुस्तान भर में हमारी रियासत का नाम रोशन करेंगे। फिर एक बार दिल की गहराइयों से तमाम का शुक्रिया, खुदा।